नमस्ते, मेरा नाम है हिरण जी चड्ढा, खोद दूंगा गड्ढा। क्योंकि कबूतर के चिट्ठी भेजने से नेवला किसी घर की घंटी बजाकर भागा भागी नहीं करता, समझ रहे हो ना। कल मैंने वीडियो में दिखाया था कि इस पूरे छोटे से टाउन आशीष में एक बड़े धूमधाम से कोई फेस्टिवल मनाया गया, और आज सुबह मैं सैर के लिए यहाँ पे अकेले निकल आया हूँ। आज काफ़ी कल की तुलना में यहाँ पे शांति नज़र आ रही है और इस सिटी का माहौल भी काफ़ी सुकून भरा लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस बूंदाबांदी वाले आशीष छोटे से टाउन के इस नज़ारे को घुमाकर मैं आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। कल इसी स्क्वायर पे ये फेस्टिवल हुआ था, जब ये सारी दीवारें इलेक्ट्रिसिटी के सितारों के रोशनी से सजाया गया। आज सुबह पूरी शांति है, लेकिन घंटी की आवाज़ ने अचानक शांति भंग कर दी है। आप जब इस आशीष टाउन में घूमते हो तो इस तरह से बहुत सारी छोटी गलियां नज़र आएंगी, जो कि एक गुफा की तरह लगती है। हर गली के छोर पर एक नया आकर्षण आपका इंतजार कर रहा होता है। और हाँ, जैसे मैं इस गली से बाहर निकला, एक अप्रत्याशित कैटेडरल जो कि काफ़ी सुंदर है मेरे सामने आ गया। कल के तुलना में काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा है ये जगह। चर्च का दर्शन ख़त्म करके अभी बाहर निकल आया हूँ। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही पवित्र जगह प्रतीत होती है। और इस चर्च की ना एक ये कहानी है कि बहुत साल पहले, सदियों पहले, इस चर्च के एक छोटे से कोने में उस ज़माने के एक संत को बंद करके रखा गया था। शायद उसकी वजह से ना इस चर्च के अंदर का माहौल मेरे को कुछ अलग ही लग रहा था, और बाहर का माहौल भी आज एकदम थोड़े अंधेरे में, बारिश के हल्की हल्की आवाज़ों में सिर्फ कबूतरों की गुतरगु मेरे को सुनाई दे रही है। तो और आप देख सकते हो कि इस गली में मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे अलावा चलने वाला। कितने लोग आए और कितने लोग गए। इस पुरानी सी पत्थरीले सड़क पर चलते हुए मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, शायद इसलिए कि 12वीं शताब्दी के इस गली, इस सड़क और इन भवनों के निर्माण के बाद बहुत ही कम बदलाव के साथ डिज़ाइन किया गया इस रास्ते पर। हो सकता है कि मेरे आगे बहुत सारे ऐसे लोगों का चहल पहल रहा हो जो कि शायद अभी इस टाउन के किसी कोने में या फिर ऐसी जगह दफनाए गए होंगे। हो सकता है कि जिनकी रूहें अभी मेरे साथ चल रही हो, क्या पता। आशीषी को संतों का नगर कहा जाता है। नाम से ही पता चलता है कि पहले कितने संतों ने अपने धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया होगा इस नगर में, और उनकी मेमोरीज आज के टाइम भी इस टाउन के कोने कोने में इस तरह बिखरी पड़ी है, सैकड़ों साल पुरानी लेकिन लोगों की यादों में जिंदा। हल्के से गूंज रही घंटों की आवाज़ के बीच मेरे सामने जो नज़ारा प्रकट हुआ, इटली के सुबह सुबह पहाड़ी गांव का नज़ारा, बारिश में उठते हुए कोहरे और आसमान में छाए बादलों ने मिलकर जिस तरह दृश्य का निर्माण किया, उसको देखकर मेरे मन में सुकून की मात्रा भी काफ़ी बढ़ गई। अकेले घूमने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर आपको इस तरह से बीच सड़क पर कोई अच्छी जगह मिल गई तो वहाँ पे जितना चाहो उतना रुक सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये देखो, एक अप्रत्याशित मेहमान भी मिल गया। और उस व्यू पॉइंट से नीचे आकर मैंने देखा कि इस सिटी का सिंबल, इस सिटी का सबसे मशहूर कैटेडरल सांता कियारा कैटेडरल का नज़ारा और वहाँ तक जाने का रास्ता एकदम जादुई दुनिया से उठकर बाहर आए एक ऐसे रास्ते की तरह लग रहा है ना, कि चलो मैं खुद को इस रास्ते पर जाने से रोक नहीं पाया। ये सही में बचपन में परिकथा वाली दुनिया से कोई कम नज़र नहीं आ रही। और ये घंटों की आवाज़, दुर्गम रास्ते का दृश्य और आसमान का माहौल, तीनों के ना गजब का संयोजन है। और
इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं कल्पना में नहीं, इस रास्ते पर, इस दुनिया में असल में चल रहा हूँ। वाह, यूरोप के इस तरह से छोटे से गांव में घूमते हो तो इस तरह हर पल हर गली में आपको एक अप्रत्याशित तोहफा मिल जाता है, जैसे मुझे थोड़ी देर पहले मिला चर्च के घंटों की आवाज़ से। उसको सुनते हुए जब आप उस पुराने दुर्गम गली पर रास्ते पर चलते हो तो सही में ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में जो परिकथाएं हम पढ़ा करते थे या फिर हमारी मम्मी जो हमें सुनाते थे, उसकी दुनिया उठकर एकदम मेरे आंखों पैरों के सामने आकर खड़ी हुई है। सुबह सिटी शहर के बाद अभी ब्रेक भी हो गया और अब मैं लंच के लिए सिटी के सबसे लग्जरी शानदार एक शांत रेस्टोरेंट में बैठ गया हूँ। जैसे ही इनका गेट खोला मैं इनका पहला गेस्ट बना। अब खाना आ गया, यहाँ के स्टाइल में पकाए गए पोर्क ग्रिल बियर के साथ, जिसकी तिहाई हिस्सा मैंने ख़त्म कर दिया। और यूरोप में स्पेशलिटी यह है कि इसको या तो ब्रेड के साथ खाते हैं या तो बियर के साथ खाते हैं। मैंने तो दोनों ऑर्डर कर लिया। एक नए देश में वहाँ के लोकल खाना टेस्ट करने का जो मज़ा होता है ना, ये भी ट्रैवल का एक बहुत ही बड़ा आकर्षण होता है जो कि आप कोरिया में बैठकर नहीं कर सकते। काफ़ी नरमी से कट गया, इतना भी नमकीन नहीं है। अभी मुझे लगता था कि यूरोप का खाना नमकीन होता है लेकिन ये ओवरऑल इतना नमकीन नहीं है, काफ़ी अच्छा स्वाद है। खाना भी अच्छे से हो गया और यहाँ पे ठंडी बढ़ गई थी जिसका मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो मैंने यहाँ की लोकल टोपी ख़रीद ली जो कि मेरे को काफ़ी सस्ते में पड़ा। और अब मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए। गूगल मैप के अनुसार मैं जिस मोनेस्ट्री यानी जो मेरा डेस्टिनेशन है जा रहा हूँ, ये इसी रास्ते पर सीधे थोड़े ही डिस्टेंस पर स्थित है। और वैसे यहाँ पे टैक्सी वगैरह तो चलती है नहीं, लेकिन ऐसे सुंदर रास्ते में ना बिना गाड़ी के घूमने में ही असली मज़ा आता है। टीले से उतरकर मैं आज के अपने पहले डेस्टिनेशन सैन फियंत्रो चर्च के सामने पहुंच गया हूं, जिसका डिज़ाइन कल के दिखाए गए चर्च से काफ़ी अलग नज़र आ रहा है। और यहां पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा ही नहीं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। बस परिसर में लगे दोनों पेड़ ही मेरे स्वागत में इस मैदानी इलाके को निहारते हुए खड़े हैं। सड़क के दोनों किनारे पर स्टोर से बज रहे म्यूजिक से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नॉर्मल दिन जब थोड़ा मौसम सही होता होगा तब यहाँ पर कितने टूरिस्ट की भीड़ जम जाती होगी। हाँ, ये देखो, अक्सर इस तरह के सीट पर लोग बैठकर दारू पीना पसंद करते हैं। आज तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा इस ठंडी में। और अब मैं पहुंच गया हूं आसीसी के सबसे मेन, सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण कैथेड्रल सैन फ्रांसिस्को कैथेड्रल के सामने। कहा जाता है कि इस कैथेड्रल का आकार इस आसिस में स्थित सारे कैथेड्रल में से सबसे बड़ा है। और इसका जो महत्व होता है, जिस संत के नाम के आधार पर, जिसके इतिहास पर इस आसिस टाउन की स्थापना हुई है सैन फ्रांसिस्को, ये खासकर उनके मेमोरी में बनाया गया कैथेड्रल है जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में संपूर्ण हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है। और ये चर्च इस टाउन के सबसे आखिरी छोर में स्थित होने के कारण यहाँ से दिखने वाला दृश्य भी एकदम कमाल का है। गांव के अंतिम छोर में स्थित ये सैन फ्रांसिस्को कैथेड्रल इसके सफ़ेद रंग की वजह से ऊपर आसमान में बिखरे हुए बादलों का एक टूटा हुआ टुकड़ा जैसा लगता है। और उसके बाहर स्थित मैदानी गांव का हरा भरा नज़ारा भी इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। अंदर जाते ही छत पर की शानदार पेंटिंग ने मेरी नज़रें चुरा ली। चाहे किसी भी धर्म का स्थल हो, उसके अंदर एक अनोखी सी पवित्रता और भारीपन महसूस होता है, जिस माहौल में मेरे मन को भी भारी राहत मिलती है।
पता नहीं क्यों, लेकिन टाइम डिफरेंस की वजह से ना यूरोप के कई देशों में हर बार ऐसा होता है कि शाम को या रात को ना कुछ खाने का मन ही नहीं करता। अब वैसे बज गए रात के 7:30, बाहर तो अंधेरा ढल चुका होगा। अब बाहर जाने का क्या ही फ़ायदा। चलो यार, आज तो सो जाता हूँ और आप लोगों को कल का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। Tomorrow. गुड मॉर्निंग सब्सक्राइबर्स, आज के सुबह की शुरुआत इटालियन स्टाइल के नाश्ते के साथ होती है। चलो इसको खाकर आज भी सिटी के अंतिम दर्शन के लिए निकल जाता हूँ। और आज सुबह बिस्तर से उठ के मैं सबसे पहले डेस्टिनेशन के रूप में एक मोनेस्ट्री के सामने पहुँच गया। लेकिन दुख की बात यह है कि दरवाजे के सामने पहुँच कर मेरे को पता चला कि ये अब पर्यटकों के लिए ओपन नहीं है। हाँ, ये देख सकते हो इस सुनसान से वीरान सड़कों पर जहाँ पे सिर्फ पत्ते उड़ रहे हैं, वहाँ पे मैं अकेले खड़ा हूँ। इस तरह कुछ बिल्डिंग के लुक को निहारते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। बंद हुआ तो क्या हुआ, नई जगह तो जा सकते हैं। आज दोपहर को थोड़ी देर सिटी का दर्शन करने के बाद मैं कोजी से प्यारे से कैफे में दारू का मज़ा लेने के लिए बैठ गया हूँ। बहुत मधुर स्वर में बजते हुए गाने के सुर में पीने वाले एक ठंडे बियर का स्वाद, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मस्त बियर पी के अभी दोपहर को 4:30 बजने को आए हैं। मैं बाहर निकल गया हूँ और मैंने ना इस टाउन में एक बात नोटिस की है कि यहाँ पे ना सब कुछ, चाहे स्टोर हो, रेस्टोरेंट हो और कुछ भी कॉमर्शियल एरिया हो, बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। मैंने सोचा चलो यार डिनर के लिए कोई जगह देखते हैं, लेकिन अभी मेरे को जो मेरे होटल के सामने जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो सब बंद मिले, जिसका मतलब यह है कि मुझे खाने के लिए थोड़ी दूरी तय करनी पड़ेगी। आसीसी का कोई भी रास्ता चाहे कहीं के लिए भी निकले, अंत में जाकर एक विशाल से कैथेड्रल के सामने आकर ख़त्म होता है। मेरे को यकीन नहीं हुआ कि इस सुंदर प्यारे से टाउन में आज मेरा आखिरी दिन है। 3 दिन किस तरह 3 मिनट की तरह बीत गए मेरे को पता भी नहीं चला। इस कैथेड्रल वाले रास्ते से नीचे उतरकर अभी मेरे सामने जो सड़क और जो पुराना गेट शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि ये हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया को विभाजित करने वाला दरवाज़ा है। इसका माहौल देखो यार, वाह क्या अंधेरे में ढका हुआ माहौल है। मैं कब से चल रहा हूँ इस सड़क पर अकेले, अब देख सकते हो बहुत ही सन्नाटा है चारों तरफ। अब देख सकते हो कि मेरे अलावा कोई और बिल्कुल भी नहीं है, कोई और बिल्कुल नहीं है। किसी के आने की चलने की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही और पूरे रास्ते में मेरे को एक भी रेस्टोरेंट ओपन नहीं मिला। पता नहीं क्या हो गया है इस टाउन को, ये हमेशा से ऐसे ही है, फिर आज कुछ खास दिन है कि लोगों की भीड़, खुला हुआ रेस्टोरेंट, ये सब कुछ मानो इस दुनिया से गायब ही हो गया। हेलो बिली, इतने देर चलने के बाद फाइनली मेरे को कुछ जानदार प्राणी मिला। मैं उसी दरवाजे के बाहर घूम रहा था कि डर लगा फिर से इस ओल्ड टाउन के अंदर आ गया। टाउन के अंदर का नज़ारा है गाइस, सूर्यास्त के बाद यार एकदम जो फिल्मों में दिखाए जाने वाले भूतिये गांव की तरह लगता है ना। सही में अभी तक यूरोप, एशिया, तुर्की में बहुत सारे देशों में दौरा कर चुका हूँ, लेकिन इतना सन्नाटा भरा गांव आज तक मैंने नहीं देखा यार। सही में फाइनली जाके मेरे को सीची सेंटर में एक रेस्टोरेंट मिल गया अपना फेवरेट बटर के साथ। आज का दिन समाप्त कर रहा हूँ तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस लंबे वीडियो के माध्यम से एक नई जगह का दर्शन करने को मिल गया होगा। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।